चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ कार व्हाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर पासेस थ्रू अ कर्व पोर्शन ऑफ रोड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, रेडियस इसका 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द मास ऑफ द कार इज 500 किलोग्राम, इधर से जो कार आ रही है 500 किलोग्राम की है, रिएक्शन ऑन द कार एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट पे, तो ये कौन सा शेप है? ये कनकेव शेप है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स शेप था, तो कॉन्केव शेप में क्या होगा? जैसे ये मान लेते हैं ये रेडियस आर है, कार यहाँ पर है, एज्यूम करो ये कार है, एम जी इसका मास, कार का एम है, एम जी नीचे लगेगा, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स इधर सेंटर की तरफ लगेगा, रिएक्शन फोर्स, तो सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रिपेटल फोर्स जिसको हम लोग लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आर माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, तो ये रिएक्शन फोर्स होगा, और अगर बीच में एकदम पी पॉइंट यहां पर है, यहां पर पहुंचता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो रिएक्शन फोर्स एट पी पॉइंट कितना हो जाना चाहिए? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो हो गया, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो कॉस थीटा वाला टर्म वन हो गया। M की वैल्यू कितनी है? 500 किलोग्राम, G की वैल्यू 10 मान लेते हैं, प्लस फिर से M 500 इंटू V कितना है? वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आर, उस 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? ये 72 है, ये क्यों नहीं आ रहा? चलो ये कुछ दिक्कत आ रही है, 72 इंटू 5 बाई 18 कितनी बार जाएगा? 4 times जाएगा, 4 × 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने स्पीड यहाँ पर बताई है वो अगर मैं किलोमीटर पर, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है? 10 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया, तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 गया, ये कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं थोड़ा सा लिखने, 1 2 3 जीरो पहले लिख देते हैं, उसके बाद से 4 और 5 4 5 20, ठीक है, 20000 प्लस 5000, 25000, ठीक है, 25000 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन जो होगा पी पॉइंट पे वो 25000 न्यूटन का होगा, तो ये किलो न्यूटन में दिया, तो 25 किलो न्यूटन कर दो, आर पी इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।